ये वीडियो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। जी हाँ, मैं फिर से बताता हूँ, जो छात्र सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में जुटे हैं पिछले काफ़ी समय से, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, अदर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो सिर्फ पढ़ाई में लगन रखते हों तो एक बार इस 5 से 6 मिनट की वीडियो को देखेंगे और समझेंगे क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैं गारंटी लेता हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट होगा कि एंड में फील करेंगे हाँ इट इज़ टू मच या सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन एंड यू। चलिए बात को शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो है सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं किसकी, उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, बहुत सारा समय हो गया, अगर मैं गलत ना कहूँ तो 2 से 2.5 साल या 3 साल हो चुके हैं कि जब से चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी, कल आएगी, जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, नवंबर की लास्ट डेट 10 जनवरी 10 फरवरी, हजारों डेट आपके सामने आ चुकी हैं। सच झूठ भी सब आ चुका है, अखबारों में भी कई बार सामने चीज़ें आई हैं और अभी भी लगातार आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बताने वाला कि कब आ रही है वैकेंसी, तो फिर इम्पोर्टेंट कैसे है ये समझ लेना एक बार। तो इसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पिछले 4 महीने का एक डेटा दिखाना चाहता हूँ जिसे आप समझना। देखिए, बस वीडियो जो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट से छोटा रहे। सिर्फ मेन बात क्या है कि 2020 में एक चर्चा आई थी, आप लोग शायद ध्यान ना देते हों पर मैं इस पर ध्यान देता हूँ। एक चर्चा आई थी, एक अफवाह उड़ी थी, एक बात सामने आई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 2,500 या 3,000 वैकेंसी आने वाली है। चर्चा कब आई थी? 2020 में। अब मेरे सिस्टर ने लो जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही हैं, तो मैंने उनसे इस बात की पुष्टि करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा हाँ 100% आ रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ से भी डेटा गया है कि कितने पद खाली हैं। तो मैं वहाँ डैम श्योर हुआ कि हाँ जो ये खबर आई है ये खबर सच्ची है, समझना। लेकिन इस वैकेंसी को 2020 में आना था, 2021 निकला, वैकेंसी नहीं आई, समझते रहना। बच्चों ने इसकी तैयारी करना लगभग छोड़ दिया। 2022 आया, वैकेंसी नहीं आई। लेकिन 2022 का जैसे ही एंड आया, नवंबर मंथ, तब ये वैकेंसी आई। और यहाँ समझने वाली बात, उत्तर प्रदेश पुलिस से कैसे कनेक्टेड है इसे देखना। नवंबर में जब ये वैकेंसी आई तो प्यारे बच्चों उस समय 18 नवंबर लास्ट डेट थी फॉर्म को भरने की, कन्फर्म है, और 12 दिसंबर को एग्जाम करा लिया गया था। आप दिन गिन पाएंगे क्या? अगर मैं हर एक दोनों को, ये 30 का महीना होता है, 18 दिन निकले, कितने दिन बचे? सर 12, और यहाँ 12 और 12, सर 24 दिन नहीं मिले बच्चे को तैयारी करने के, समझते रहना। अब 19 जनवरी को रिजल्ट आ गया। आप देख रहे हैं काम फास्ट। तो रिजल्ट को छोड़िए, यहाँ देखिए कितने दिन मिले तैयारी करने के, सर 24 दिन मिले। वैकेंसी को 2020 में आना था, आई 2022 के एंड में, इट इज टू लेट हुई है। यही सेम प्रोसेस उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चे समझे। देखिए, बच्चा 2 से 3 प्रकार का है, एक जो सिर्फ इस बात से है कि हाँ आएगी, उसे भरोसा है, हाँ लेकिन लेट है, नो डाउट बहुत लेट है, पर आएगी जरूर, ये कन्फर्म है, ठीक है ना, ये कन्फर्म है, आएगी जरूर। लेकिन कब आएगी, थोड़ा सा ही डिले हुआ है इसमें, थोड़ा नहीं बहुत डिले हुआ है, कोई डाउट नहीं है। पर अब यहाँ पर जो आपको सही से एनालाइज करने की बात है वो ये है कि अगर मैं सरफ कर देता हूँ, अगर बाय चांस लेट अस से 30 मार्च को वैकेंसी आ जाती हैं, मान लेते हैं 30 मार्च 2023 को वैकेंसी आ जाती हैं, और वो आपसे कहे 24 अप्रैल को पेपर दे दो, आप ये बताइए क्या आप पर्टिकुलर जो आप एटलीस्ट जो बच्चा वीडियो देख रहा है इस समय कमेंट में बिल्कुल स्पष्ट लिखे हाँ या ना में, क्या आप रेडी हैं पेपर पास करने के, क्या आप पेपर पास करने के तैयार हैं कि हाँ मैं तो सर पूरी तैयारी है, बस रिवीजन करना सब कुछ है। ये की पॉइंट रहेगा और ये धक्का लगेगा, क्योंकि जिस दिन ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि लेट हो गई इतनी कि बहुत ज्यादा, जिस दिन आएगी झटपट पूरी होगी। और इस बार भी याद रखना, अब ऐसा नहीं है कि देखिए एनालाइज गलत नहीं हो सकता, अंदाजा गलत नहीं हो सकता, सब चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी जिस दिन वैकेंसी आएगी याद रखना 30 दिन
30 दिन आप लोगों को सही से मिल जाए बड़ी बात होगी। तो ये एनालाइज आपको करना है। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, घर में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु पढ़ रहे हैं और अगर आप घर में पढ़ रहे हो निष्ठावान हैं कि यस आई एम डूइंग, देन कोई बात नहीं आप कर लेंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़े हो तो और अच्छी बात क्या है कि वहाँ आप रेगुलर पढ़ाई से एटलीस्ट, क्योंकि लगभग 2 से 3 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो आप कम से कम कुछ भी नहीं ना तो पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। और यही होता है अंत में प्लस पॉइंट। अब जब इलाहाबाद वैकेंसी आई इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो बच्चे और अब इंग्लिश पढ़ लेंगे, ट्यूशन लगा लेंगे, कोर्स खरीद लिए ऑनलाइन, 1-1 हज़ार के, 1.5-2 हज़ार के, 2-2 हज़ार के, 2.5-3 हज़ार के। हुआ क्या, 24 दिन में पेपर, कोर्स धरा रह गया, ट्यूशन धरे रह गए, किताबें धरी रह गई, प्रैक्टिस सेट धरे रह गए, समझना। और पास उसने ही करा है जो पहले से पढ़ रहा था, जिसे ध्यान था कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं कुछ कर लूँगा। तो अब ये आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके कैटेगरी में ना बच्चा इस चीज़ में बड़ा रहा है। अब चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं या हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मेन बात यही थी। लेकिन अब कुछ कुछ बातें रहेंगी कि आप में से क्या, आप कौन सी कैटेगरी के, कि कई बार बच्चा 3 महीने पढ़ेगा और कोचिंग ऑफ कर देगा, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन, इट डजंट मैटर ना यार, अभी वैकेंसी तो आ नहीं रही यार, तो कर लेंगे यार, अभी आएगी यार, आ जाएगी देखेंगे, तो सर मैं अगले महीने से आऊँगा। भाई तो अगले से आ जा, ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कोर्स तो खरीद लिया, डाउनलोड तो पढ़ा है ना, कोर्स तो खरीद लिया, डाउनलोड देख लूँगा। अबे कहाँ से देख लेगा मेरे भाई, 100 वीडियो मैथ की, 70 वीडियो रीजनिंग की, 80 वीडियो हिंदी की, और कम से कम 150 वीडियो GS की, तू देख लेगा 30 दिन में? नहीं सोचो, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। और फिर नसीब ही खराब है यार हमारा, तो अबे नसीब नहीं, तेरी अकल ख़राब थी। यही सीखना है, यही समझना है। देखिए बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं समझाता हूँ और ये मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। हाथ कंगन को ऐसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, बात समझ में आएगी तो मेहनत पे लग जाओगे। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत पूरी है, देन फाइन, रिजल्ट आपका बोल वाला देगा और डंके की चोट पर देगा। और आपका दिखावा है ना, खाली दिखावा कि तैयारी करिए, तो वो दिखावा पेपर में बाहर आएगा। बात समझ में, मैं लिटरली एकदम बोलता हूँ। तो ये मुझे मेन बात बतानी थी, खैर अभी मोटिवेशन क्लास नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि छोटा रखना है क्लास को, केवल एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि पढ़ाई को ना रोकें, ठीक है ना। लगातार प्रतिदिन अपने हिसाब से, कोचिंग के हिसाब से लगातार लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन नाम का बम फूटेगा ना, जिस दिन नोटिफिकेशन नाम का बम सिर पर फूटेगा, तो ऐसा होपलेस है, हिंदी रस छंद अलंकार वर्णमाला संधि पर्यायवाची विलोम शब्द मैथ ट्रेन बस गाड़ी नाव सब धरा का धरा रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बस इतना ही है, कह रहे चलिए बंद करते। तो आई होप सो आपको पढ़ना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए लगातार पढ़ाई से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।